कि ये इंडक्शन जैसा दिख रहा है, बट इसे प्रॉपर हम इंडक्शन नहीं बोलते हैं, ये इंफ्रारेड बोला जाता है। इंडक्शन से इसका वर्क डिफरेंट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आ गए हैं इंफ्रारेड इंडक्शन। इंडक्शन और इंफ्रारेड थोड़ा अलग होता है। इंडक्शन में इसलिए बोलता हूँ कि ये इंडक्शन जैसा दिख रहा है, बट इसे प्रॉपर हम इंडक्शन नहीं बोलते हैं, ये इंफ्रारेड बोला जाता है। इंडक्शन से इसका वर्क डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि ये देखो टैंडम ब्रांड की तरफ से आता है, जो कि विशाल मेगा मार्ट का पल ब्रांड है, और इसकी वारंटी 2 ईयर्स आती है। प्राइस इसका 2600 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैं अदर ब्रांड को कंपेरिजन करूँ अगर इससे, तो मुझे जो इंफ्रारेड का प्राइस देखने के लिए मिला ऑनलाइन, वो 3000 रुपीज़ से ऊपर देखने के मिला, जबकि उनकी 1 ईयर वारंटी थी। तो ये मैंने सर्विसेज की वजह से प्लस लोकल में हमको आसानी से मिल गया, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। बाकी अंडर 5 किलोमीटर ये ऑन साइट सर्विस देने का पूरा वादा करते हैं, ये मैंने सर्विस के लिए कंफर्म कर लिया, तो सर्विस का कोई इशू नहीं होने वाला है। और विशाल मेगामार्ट एवरी सिटी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। बाकी अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ हमें क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलता है और क्या क्या इसके खास फीचर्स हैं। वीडियो में आगे बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा। तो इसमें हमें जो देखने के लिए मिलता है वो इंडक्शन देखने के मिला है प्रॉपर। इसके साथ में आपको ये सीख दिखाई दे रही होंगी, ये इसी के साथ है इन्वॉल्व। आप कोई भी मतलब होता है जैसे कि पनीर टिक्का आपको करना है, पनीर टिक्का वगैरह सेकने के लिए जिस तरीके से आपको इस इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके से आप इस पे आसानी से सेक सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा ये इंडक्शन से डिफरेंटली वर्क करता है, ये इंफ्रारेड इंडक्शन बोला जाता है। हमें सीख देखने के लिए मिलती हैं, प्लस इसके साथ आपको ये जाल भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि कंपनी प्रॉपर प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इसकी मदद से आप रोटी वगैरह या आपका कोई भी वर्क है जिसको आप छुलाना नहीं चाहते इसके पैनल से, तो आप इजीली इस पर सेक सकते हैं। दोस्तों हमारे इंफ्रारेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया है, और इसमें स्टील का प्रयोग किया गया है। प्रॉपर आपको हैंडलिंग भी दी गई है, ताकि कोई परेशानी ना हो इसको इधर उधर ले जाने और लाने में। बाकी उसमें कुछ टच फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये फ्राई वगैरह का है, आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये बटन आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी ये स्टार्ट होगा। मतलब ये प्रेस करने के बाद आपको ये ज़रूर प्रेस करना होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी इसमें सूप का ऑप्शन अलग से दिया गया है, टाइमर दिया गया है, टाइमर इसमें आप 3 घंटे तक का मैक्सिमम टाइम इसमें आप लगा सकते हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना क्या आप यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें आप मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मैनुअली कंट्रोल होता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा अप डाउन के लिए, मतलब कितनी हीटिंग आपको चाहिए कितनी हीटिंग नहीं चाहिए। तो ये 2200 वाट तक, मतलब 2200 वाट तक ये जाता है। आपको वाटेज मैंने चेक कराने के लिए यहाँ पे एक मीटर का भी एडजस्टमेंट करा है, ताकि आपको पता चल सके कि कितना वाटेज लेता है। कंपनी जो बोलती है वो 2200 वाटेज बोलती है, हम मीटर से भी चेक करने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करता है और कितना वाटेज लेता है। तो मैं इसका प्लग इन कर लेता हूँ इसमें सीधा सीधा। अभी हम इस जाली को हटा लेंगे, क्योंकि अभी हम रोटी वगैरह कुछ सेक नहीं रहे। रोटी भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार से इसमें हम रोटी को आसानी से सेक सकते हैं। दोस्तों हमारे इंफ्रारेड में लाइट आ चुकी है, अब मैं आपको इसे स्टार्ट करके देता हूँ कि स्टार्ट ये कैसे करना है। आपको अप डाउन करने के लिए हमारा ये है, बाकी पहले आपको ये प्रेस करना होगा, उसके बाद मैन्युअली हम इसको प्रेस करेंगे। तो इसका स्टार्टिंग जो होता है वो 1200 से कंपनी ने मैक्सिमम रखा हुआ है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करने वाले हैं कितना मैक्सिमम वाटेज ये जाएगा। कंपनी इसे क्लेम करती है 2200 वाटेज इसे वैसे बोला जाता है। अब मैं आपको इसमें चेकआउट करा देता हूँ कितना वाटेज अभी ये ले रहा है 200 पर।
मतलब ये 200 पे वर्क कर रहा है, तो वाटेज जो हमारा आ रहा है तकरीबन तकरीबन 180, और ये हीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके इसका वाटेज बढ़ाएंगे, तो आपको मीटर में भी आप देखते रहना। ये हमारा 400 और हमारा मीटर जो पहुंच चुका है वो 226 वाटेज। ओके, उसके हम 6 पे करेंगे, 6 पे हम करने के बाद में 330। ओके, उसके बाद हम 80 पे करेंगे, 800 पर, उसके बाद हमारा ये 490 तकरीबन 500 वाट आप इसको बोल सकते हैं, 500 वाटेज, और ये 800 पे भी वर्क कर रहा है, तो ये 1000 वाटेज है। 1000 वाटेज पे देखो हमारा हीट अच्छा आ रहा है। अब ये जो वर्क कर रहा है जस्ट लाइक आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी आपको दिखने लगेगा, अभी आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, तो ये तकरीबन 1000 वाटेज पे, अगर हम 1000 इसमें सेट करते हैं तो ये हमारा तकरीबन 600 वाटेज पे वर्क करता है। अब मैं इसको 1200, जो कि एक कंपनी बोलती है मैक्सिमम जो स्टार्टिंग है इसकी, वो है आपका 800 वाटेज। अब 800 वाटेज में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो इसमें इंफ्रा रेड एसी का कमाल है। देखिए इसमें आपको ग्लो होता हुआ दिख रहा होगा, जो इसमें कॉइल लगाया गया है वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, तो तकरीबन 750 वाटेज आप इसको बोल सकते हैं जो इसका स्टार्टिंग है, और ये 1400 में और ज़्यादा ग्लो आ गया है। अब हमारा जो वाटेज पहुँचा है वो पहुँचा है 800, मतलब 900 के अराउंड आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा 16 हो गया है, 16 पे हमारा जाता है 1000, मतलब 1000 वाटेज लेता है ये अगर हम इसको 16 पे यूज़ करते हैं तो। उसके बाद हमारा आता है 18 पे हम इसको यूज़ करेंगे 1800 पर, तो हमारा वाटेज आएगा 1136 तकरीबन, इसको 1150 वाट आप बोल सकते हैं, 1150। ओके, अब इसमें 2000, अब आप ये देखिए कितना रेड हो चुका है 2000 पे, तो ये 1200, मतलब आप इसको मोटा मोटा 1300 वाट बोल सकते हैं, और ये 2000 वाट पे चल रहा है, तो ये जो पावर कंजप्शन कर रहा है वो 1250 वाट कर रहा है, 1300 वाट आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये उसके बीच में है। ओके, अब मैं इसको फुल पे, ये इसका फुल्ली वर्किंग कंडीशन है जो कि ये फुल पे वर्क करता है 2200 वाटेज, जो कंपनी बोलती है इसको अपनी लैंग्वेज में। बाकी हमारे पास जो वाटेज शो होते हैं वो 1400 वाटेज इसमें मैक्सिमम जा रहा है, मतलब ये 1400 वाट पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, और हीटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी हीटिंग है, जस्ट लाइक इसको आप एक हीटर के तौर पे भी अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, इतना पावरफुल है। और हाँ, ये जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो जो इसकी हीटिंग होती है, देखिए ये ऑफ़ हो गया, इसकी हीटिंग आपको ऐसा नहीं है कि ये इंडक्शन की तरह हैंड टू हैंड ठंडा हो जाएगा 2-3 मिनट में, ये कम से कम मैक्सिमम 15 मिनट्स लेगा ठंडा होने के लिए, इससे कम नहीं लेगा। आप सोचिए कि मैं अभी इस पे हाथ रख दूँ तो मेरा हाथ जल जाएगा, इतना हीट है इस टाइम। अब मैं आपको इस पे रोटी सेक करके दिखा देता हूँ कि रोटी के लिए क्यों बेस्ट है, क्यों मैं इसे बोल रहा था कि ये इंडक्शन से डिफरेंटली वर्क करता है, क्योंकि इस पे आप रोटी या अपना पनीर टिक्का वगैरह आसानी से सेक सकते हैं, इसी के लिए इन्होंने स्पेशल जाली यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। ओके, इस तरीके से जाली लग जाएगी, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको रोटी सेक करके दिखा दूँगा ये किस तरीके से वर्क होता है। हाँ, कोई बात ना, बाकी देख लेना, देख रहे हो नीचे चलना है। तो दोस्तों, इंडक्शन नाक लेकर के आप ये इंफ्रा रेड लें
ये ज़्यादा बेटर है उससे। और एवरी पॉट, किसी भी पॉट को आप इस पर सपोर्ट करा सकते हैं। प्रॉपर इसके लिए इंडक्शन वाले पॉट नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च किया और क्योंकि इंडक्शन पे रोटी बन नहीं पाती थी, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया कि अब मैं इंफ्रारेड लूँगा ताकि रोटी भी उसी पर बन जाए आसानी से। पराठे वगैरह इंडक्शन बना देता, बट रोटी प्रॉपर नहीं बना पाता है और ना ही वो टिक्की सेक सकता है, ना तो वो आसानी से इस पे आप कर सकते हैं। प्लस में पानी जाने का ख़तरा भी ना के बराबर है ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी भी बंदे को प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, कुछ टाइम अब हम इसको यूज़ करेंगे और आगे भी इसका आपको एक बार अपडेट मिल जाएगा। बाकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है, मैंने एक दो दिन ये यूज़ भी कर लिया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, मेरी तरफ से ये फुल्ली रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं और बेटर आपको ये इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वारंटी हमें अपग्रेड मिल रही है, प्लस लो कॉस्ट में मिल रहा है, प्लस सर्विसेज भी हमें अच्छी मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है टैंडम में। बाकी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखते रहने के लिए मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।